सो गाइस, यह है रियलमी का 10 प्रो प्लस और इसमें न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। जस्ट एक अपडेट आया था, तुरंत यहाँ पर एक और अपडेट आ चुका है। सो इस वीडियो में हम करेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट और देखेंगे फ़ोन की परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट में है क्या क्या। ऑलराइट, तो चलते हैं सेटिंग पर, चलते हैं ऑडियंस पर और देख सकते हैं यहाँ पर रियलमी UI 4.0 ऑफिशियल वर्जन 572.4 MB का अपडेट है। व्यू अपडेट पर करते हैं क्लिक। सो गाइस, ये अपडेट जो RMX 3686 11A.19 करके अपडेट है। इससे पहले एक अपडेट आया था जो कि 350 या 300 MB के समथिंग का था। ये अपडेट है 572 MB का। सो गाइस, ये अपडेट सिस्टम सिक्योरिटी कैमरा और सिस्टम का अपडेट है। देखो, बेसिकली सिक्योरिटी और सिस्टम का अपडेट तो हर बार आता है और इसमें कैमरे का भी अपडेट है और नेटवर्क का भी पिछली बार वाले अपडेट में आई थिंक था ही। तो ऐसे में बेसिकली इसमें जो अपडेट है मेन मान सकते हैं आप कैमरे का अपडेट है। ऑप्टिमाइज द ओवर एक्सपोजर प्रॉब्लम ऑफ द फ्रंट कैमरा एंड ऑप्टिमाइज जूम क्लैरिटी। बेसिकली जो कुछ फ़ोन में जो इस तरह का इशू चल रहा था फ्रंट कैमरे में ओवर एक्सपोजर का जो इशू चल रहा था वो इस अपडेट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए तुरंत यहाँ एक के बाद एक अपडेट आ गया। और ऑप्टिमाइज जूम क्लैरिटी, इसमें जो जूमिंग का इशू चल रहे थे वो इस अपडेट में आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिस्टम की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी और फिक्स सम नॉन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो कि हर बार अपडेट में आती है। सो इससे पहले डिवाइस को अपडेट करें, एक बार इंटरफेस चेक कर लेते हैं जो डिवाइस का इंटरफेस किस तरह का और स्मूथनेस देख लेते हैं डिवाइस की। ऑलराइट, टॉप से स्क्रॉल करने पे कुछ तरह इंटरफेस दिखाता ही है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे कुछ तरह का दिखाता ही है। ऑलराइट, तो स्मूथनेस देख सकते हैं काफ़ी सही है। और अब फटाफट से जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और देखेंगे कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है अपडेट करने में। अभी 2:36 हो रहे हैं। अब ऑडियो पे करते हैं क्लिक, जाते हैं बीओ डेट पे। ऑलराइट, डाउनलोड नाउ पे करते हैं क्लिक, देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। सो डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और डाउनलोडिंग स्पीड की अगर बात करें अभी दिखा रहा है 532 KB दिखा रहा है। आई थिंक MB में आती है स्पीड, अभी कम आ रही है। कई बार जो ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पर जो स्पीड रहती है 1 MB 2 MB 1.5 MB 2.5 MB के समथिंग रहती। सो गाइस, स्पीड फिलहाल बढ़ चुकी है, 1 MB के समथिंग आ रही है, 1.5 MB। सो गाइस, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 मिनट के समथिंग लगे। 2 MB 1 MB 1.5 MB के समथिंग स्पीड आ रही थी। ऐसे में आपके यहाँ इंटरनेट स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम में हो जाएगा और कम हुई तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो फिलहाल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस चल रहा है। जब भी आप फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो डिवाइस के किसी भी बटन के साथ छेड़छाड़ ना करें, ना वॉल्यूम बटन दबाएं ना पावर बटन दबाएं, जो प्रोसेस चल रहा होता है नॉर्मली इसको होने दें। ऐसे में अभी फ़ोन जो यहाँ पर स्विच होकर ऑन भी होगा, तब भी आपने जो फ़ोन को ऑन नहीं करना अपने आप, जो भी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा उसको होने दें, उसके बाद ही आप जो कुछ चीज़ें ट्राई करें। सो गाइस, फाइल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस हो चुका है, इसमें भी ऑलमोस्ट 4 मिनट लगे, हालांकि डाउनलोडिंग में यहाँ पर 8 मिनट लगे थे। तो अभी वेरीफाइंग चल रहा है। सो गाइस, वेरीफाइंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर इसमें लगे 1 मिनट के समथिंग। ऐसे में जो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है पूरी तरह से, अब क्या करना है, सिंपली हमें जो इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल पर करते हैं क्लिक, इट्स वेरीफाइंग नाउ। कोई भी बटन प्रेस नहीं करना, वॉल्यूम ना पावर बटन, जब तक कि आपका डिवाइस रीस्टार्ट नहीं हो जाता पूरी तरह से। ये देखो, यहाँ पर फ़ोन जो स्विच ऑफ हो चुका है और डिवाइस हमारे यहाँ पर जो रीस्टार्ट होगा, तो ऐसे में आपने वेट करना है इसके रीस्टार्ट होने का, कोई भी बटन नहीं दबाना। इवन जब भी आपका डिवाइस अपडेट हो जाए उसको छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। सो डिवाइस हमारे यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, अब देखते हैं कितना टाइम लगा है, इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है कई बार। सो गाइस, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 मिनट लगे रीस्टार्ट होने के बाद। ऐसे में हमने डिवाइस को छोड़ दिया था 5 से 7 मिनट के लिए ऑप्टिमाइज़ होने के लिए। आप भी ऐसा करें कि आप फ़ोन को तुरंत यूज़ करना स्टार्ट ना करें, कुछ टाइम के लिए ऑप्टिमाइज़ होने के लिए छोड़ दें, अदरवाइज कुछ बग्स वगैरह आ सकते हैं, कुछ तरह के इशू हो सकते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सो चलते हैं सेटिंग पर, एक बार आपको दिखा देता हूँ अपडेट हो चुका है नहीं हो चुका। डिवाइस पर चलते हैं, देखते हैं ऑफिशियल वर्जन दिखा रहा, चेकिंग फॉर अपडेट। सो देख सकते हैं वर्जन अप टू डेट दिखा रहा है 0.19 करके, जो कि हमने अभी किया है। तो ऐसे में इंटरफेस देख लेते हैं, इंटरफेस में तो खैर मुझे कोई चेंजेस लग नहीं रहा, ना ही होगा। परफॉर्मेंस वगैरह में कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्मूथनेस चेक कर लेते हैं। सो स्मूथनेस जो ऑलमोस्ट पहले जैसी है। ऑलराइट, ऊपर की तरफ से स्क्रॉल करके कुछ तरह इंटरफेस आता जो कि अभी भी इस तरह का ही है। खैर, इसमें कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होंगे, ऐसे में आप लोग अपडेट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपको कोई डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही कैमरा टेस्टिंग की वीडियोस जो हमारे चैनल पर आपको मिली जाएगी, जो कि हम लेते ही हैं सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद के सैंपल हम कंपेयर करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, किस तरह के आप इशू वो फ़ोन में फेस कर रहे हैं, और साथ ही जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया उससे पहले किस तरह के इशू उनके फ़ोन में चल रहे थे, कमेंट करके बता सकते हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कुछ इस तरह के इशू अगर आए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके सॉल्यूशन के ऊपर अगर ऐसा हुआ तो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।